आज मैं आपसे जीवित पुत्र का व्रत करने की विधि, इसका महत्व, तारीख, पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त या फिर इस पूजा को कौन कौन कर सकता है, इसके साथ ही दोस्तों इस व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। पारण को यदि सीधे शब्दों में हम जाने तो इसे व्रत खोलना भी कहते हैं। यदि पारण को भी सही तरीके से किया जाता है तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। कई जगह पर इसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगहों पर इस व्रत को खड़ जितिया के नाम से भी जाना जाता है। खड़ जितिया इसका मतलब कि बहुत ही खरा और कड़ा उपवास। इस दौरान आप किसी भी तरह से नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। इस नियम में बहुत सारे कायदे और कानून होते हैं। खासकर इसमें महिलाओं को कुछ चीज़ों का सख्ती से पालन भी करना होता है। वैसे तो इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि ये व्रत संतान की रक्षा, उन्नति, प्रगति के लिए किया जाता है। उसकी आयु लंबी हो इसके निमित्त ये व्रत किया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही हम इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में भी जानेंगे। व्रत को नियम पूर्वक संपूर्ण किस तरह से किया जाए तभी उसका पूरा फल हमें प्राप्त होता है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में हम विस्तार से बातें करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे हमारे जितने भी नए वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आज हम जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है और कितने दिनों तक ये व्रत किया जाता है। जीवित पुत्र का व्रत पुत्र प्राप्ति या फिर संतान की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों इस दिन व्रत करने से मृत्युवत्सा दोष का निवारण भी होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर जिन माताओं के पुत्र अल्पायु में ही मर जाते हैं, इसके साथ ही वो अक्सर ही बीमार रहते हैं या छोटी छोटी बातों पे उनको हमेशा ही कोई ना कोई तरह का विघ्न लगा रहता है, वो सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और उसकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व एक ब्राह्मण को बताया था जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी और उसको लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। जीवित पुत्र का व्रत का आरंभ 1 दिन पूर्व से ही हो जाता है, यानी कि जिस दिन आप व्रत करते हैं उसके 1 दिन पहले से ही सारे नियम आपको करने होते हैं। व्रत करने वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं व्रत के 1 दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। उसके बाद ही वो उस दिन का कोई भी कार्य करती है जिसमें सबसे पहले भोजन आता है। दोस्तों इस दिन जो है भोजन नहाने के बाद ही किया जाता है। नहाने से पहले भोजन ना तो बनाया जाता है और ना ही भोजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी शारीरिक क्षमता इस बात की ओर परमिशन देती है कि आप व्रत को लंबे समय तक कर सकते हैं, तो विधान तो ये कहता है कि आपको व्रत के 1 दिन पहले एक समय का ही भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके या फिर आप बीमार रहते हो, किसी भी कारण से आप एक समय का भोजन ऐसा हो कि आपसे नहीं हो सकता है, तो आप 3 समय का भोजन आराम से कर सकती हैं। ऐसा इसमें किसी भी तरह का विधान नहीं है कि आप एक ही समय को बिल्कुल पालन करें, आप 3 समय का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार जो महिलाएं इस व्रत का पालन कर रही हैं या फिर इस व्रत को आरंभ कर रही हैं, उन महिलाओं को कुछ खास बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों जो महिलाएं इस व्रत को पहली बार करती हैं उन्हें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो व्रत पहली बार आरंभ करती हैं तो वैसा ही उन्हें ताउम्र वो करना होता है, निभाना होता है। इसलिए यदि आप बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं तो सुबह 4 बजे के पहले यानी कि पौ फटने के पहले, जैसे सूर्योदय के पहले भी आप कुछ भी खा पी लें जिसमें सात्विक भोजन को ही आप अपने में शामिल करें। ये व्रत अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार जो इस व्रत को करने की तारीख पड़ रही है वो 18 सितंबर 2022 को हो रही है और दिन रविवार है। दोस्तों इस दिन जो व्रत को करने का विधान है और पूजा जो करने का है वो तरीका भी मैं आपसे बतलाऊंगी, लेकिन उससे पहले पारण का समय भी जान लें। आज जो पारण का इसमें समय बन रहा है वो 19 सितंबर 2022 को हो रहा है, जो दिन सोमवार को है।
इस दिन सुबह 6:10 के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये सबसे उत्तम समय है। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि इस व्रत को करने में किन किन पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आम के पत्ते, सतपुतिया या फिर झिंगली के पत्ते आप ले सकते हैं, या फिर इसके बदले पान के पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुसा, सिंदूर, जनेऊ, मौली, दूध, अक्षत, धूप दीप या फिर नदी के किनारे की आप मिट्टी ले लें, या फिर आपके आसपास की जो भी मिट्टी आपको साफ सुथरी मिले आप उस मिट्टी को ले लें। बांस की डलिया जरूर लें। भीगे हुए चने प्रसाद के लिए इसमें चाहिए। दोस्तों, इस दिन जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है, खासतौर पर प्रदोष काल के समय, यानी कि जब संध्या का समय और रात का समय दोनों ही आपस में मिलने वाले हों तब का समय सबसे उत्तम होता है। जीमूत वाहन देवता की कुसा से प्रतिमा बनाई जाती है, चाहे आप जैसे भी हों आपको मार्केट में भी आज के समय में ये बना हुआ मिल जाता है। इस दिन मिट्टी या गोबर से चील और सियारन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है, टीका किया जाता है। और इस दिन माताएं जो व्रत करती हैं शाम के वक्त अड़ियार और बड़ियार के पौधे की पूजा भी करती हैं। बहुत जगहों पर ये पौधा नहीं मिल पाता है तो आप उनको मनी मन स्मरण करके आप उनकी पूजा कर लें। इसको भी आप इस तरीके से संपन्न कर सकती हैं। और उसके बाद सिंदूर, रोली आदि से टीका आप लगा लें। उसके बाद आप धागे, जो धागा आपने गांठ में लगाना है, जीतिया का जो लाल धागा होता है जिसमें जीत वाहन का जो है लॉकेट बना हुआ होता है, यदि आपके यहाँ जीत वाहन का लॉकेट नहीं चलता हो तो आप उसमें गांठ लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। पान, सुपारी और आपने जो भी प्रसाद बनाया है वो भी आप इसमें रख लें, वो लाल रंग का होना चाहिए। दोस्तों, जीमूत वाहन को लाल धागे से बनी हुई माला चलाई जाती है जिसमें उनका लॉकेट भी बना होता है। यदि लॉकेट ना भी हो तो आप उसमें गांठ लगाते हैं, क्योंकि गांठ आपको उतने ही लगाने हैं, इस बात का ध्यान खास तौर पर रखना है, गांठ उतने ही लगाने हैं जितने आपके पुत्र हों या फिर जितनी आपकी संतान हो, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक गांठ आपको जीमूत वाहन के लिए भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये माला आप उन पर चढ़ा दें और जीमूत वाहन की पूजा आप अच्छी तरह से करें। धूप दीप और जितने भी नैवेद्य आपने प्रसाद भोग जो भी लगाया है उसको भी आप अच्छी तरह अर्पण करने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत और सिक्का साथ में एक लेना है, साथ ही थोड़ा सा फूल रख लें और कथा उसके बाद ही आपको आरम्भ करनी है। जीमूत वाहन देवता की पूजा अर्चना करने के बाद जो लाल धागे की माला चढ़ाई जाती है उनमें से एक माला अपने पुत्र को, वो एक माला अपने गले में भी आपको धारण करना होता है। ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति और रिवाज भी होते हैं, तो आपके यहाँ जिन भी रीति रिवाजों के तरीके को अपनाया जाता है आप उसको अपना कर इस पूजा को सम्पन्न कर लें। और उसके बाद हाथों में आप थोड़ा सा अक्षत जल ले लें, थोड़ा सा पुष्प लें और एक सिक्का ले लें और उसके बाद कथा को आप इस तरह से सुनना आरंभ करें। कथा की समाप्ति के बाद आदित्य हृदय स्रोक्तम का पाठ करें और साथ ही भगवान सूर्य की आरती खास तौर पर करें। दोस्तों, इस तरीके से किया गया पूजा का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। और अब जो खास बात है उसको भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, इस व्रत के निमित्त जो कथा है उसका लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं और इसके तहत ही आप इस व्रत को करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये सभी जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी और आप सबके बहुत ही काम आने वाली है। यदि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितने भी वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाएंगे। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।